हेलो दोस्तों, इंफ्रा मटेरियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इंफ्रा मटेरियल आ चुका है अपने एक नए वीडियो के अपडेट के साथ। और आज के इस वीडियो में आज हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं एज ए इंजीनियर और एज ए कॉमन मैन, आपको ये सारी जानकारियां जो है होनी चाहिए कि आसपास जो आपके काम हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी भी जानकारी आपकी आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, अभी हम लोग हैं गाजीपुर घाट स्टेशन पे और यहाँ पे सर्विस रोड बना हुआ है जो कि रिजिड पेमेंट है। तो रिजिड पेमेंट हम लोग बोलते हैं जो कि कॉन्क्रीट की रोड होती है, उसको हम लोग रिजिड पेमेंट बोलते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो हमारी रोड है जो कि पुराने गाजीपुर घाट स्टेशन से नए गाजीपुर घाट स्टेशन तक जा रही है, वहाँ के लिए जो है जो रोड बनाई गई वो रिजिड पेमेंट रोड है, जो कि एक कंक्रीट रोड है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं जो रोड की विड्थ है वो 5.5 मीटर है, मतलब टू लेन के हिसाब से बनाई गई है ये रोड। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिए, पीछे एक टैंकर खड़ा है। इसका क्या यूज है और हम लोग क्या टेक्निकल जानकारी देने वाले हैं वो अब हम आपको बताने वाले हैं। इसमें आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो टैंकर खड़ा है, आगे एक देखिए ग्रुप कटिंग मशीन है। तो क्या होता है, ये जो रोड है अपना, इसमें समर और विंटर में जो होता है, समर में क्या होता है कि इसमें एक्सपेंशन होता है गर्मी के कारण, और विंटर में ठंड के कारण ये रोड जो होते हैं, कंक्रीट की प्रॉपर्टी होती है वो सिकुड़ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, रोड में क्रैक आ जाता है, मकानों में भी क्रैक आते हैं। तो हर जगह पे क्रैक आता है कंक्रीट में, तो उसको कैसे रिड्यूस किया जाए ये हम जानते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, ये जो कंक्रीट ग्रुप कटिंग मशीन है, इससे ये देखिए ग्रुप काटा जा रहा है। ये जो ग्रुप की विड्थ होती है वो 5 से 10 mm तक होती है, जिस रोड के बीच में ये काटा जाता है। आप देखिए, पूरा रोड के लॉन्गिट्यूडनल, मतलब रोड के पैरेलल, जैसे जैसे रोड जा रहा है उसके पैरेलल और रोड के परपेंडिकुलर, मतलब ट्रैफिक के डायरेक्शन में और नॉन ट्रैफिक के डायरेक्शन में, बोथ साइड में ग्रुप कटिंग होता है। ट्रैफिक के डायरेक्शन में रोड के सेंटर में हम लोग काटते हैं और हर 5 मीटर के पैनल के एक जो है ग्रुप जो है कटिंग होती है। ये जो पैनल है, ये टोटल 5 मीटर का पैनल है, इसके बीच में आप देखिए रोड की कटिंग होगी, जिसकी डेप्थ होती है 1 इंची, मतलब 25 mm मैक्सिमम। और इसके बाद अगर हम लोग छत बना रहे हैं या कहीं पे घरों की कास्टिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे जरूरी होता है कि अगर हमारी लेंथ जो है 10 मीटर 15 मीटर इंक्रीज कर रही है, जैसे हमारे घरों में 10 फुट का घर होता है, तो 10 फुट का अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करें तो 3 मीटर के आसपास हुआ, तो वहाँ पे एक्सपेंशन ज्वाइन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उससे बड़ी छत है जो लगातार एक कंटिन्यू है, उसमें जो है एक्सपेंशन ज्वाइन देना पड़ता है, जैसा कि हम लोग रोड में दे रहे हैं, क्योंकि ये रोड लगभग 800 मीटर लंबी है, तो यहाँ पे एक एक्सपेंशन ज्वाइन देना पड़ेगा। इस एक्सपेंशन ज्वाइन में हम लोग जो है ज्वाइंट सीलेंट की फिलिंग करेंगे। तो अब अगर हम लोग जो है प्रोसीजर की बात करते हैं कि क्या प्रोसीजर होता है इसका, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारी कंक्रीट की रोड है उसकी हम लोग कास्टिंग कर लेते हैं, और हर 40 मीटर के इंटरवल पे एक जो है थर्मल शीट प्रोवाइड करते हैं, जो कि बिटुमेन की शीट होती है, उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जब कास्टिंग हो जाता है उसके बाद 48 आवर्स के बाद, ये जो मशीन है इसकी मदद से हम लोग कंक्रीट ग्रुप की कटिंग करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे ये कटिंग जो है कैसे हो रही है। आप देखिए, इसको जो है ब्लेड के ऊपर थोड़ा सा पानी गिरा है, जिससे ब्लेड हीट ना हो और ब्लेड हमारी खराब ना हो। ऊपर ये जो मशीन का हैंडल है, इससे हम इसके हाइट डेप्थ को मैनेज कर सकते हैं। डेप्थ कितना डेप्थ तक जाना है ये जो है इस हैंडल से मैनेज होता है। और कटिंग करने से पहले हर 5-5 मीटर के इंटरवल पे पेंट लेके हम लोग मार्किंग करेंगे, जैसा कि मार्किंग अभी पीछे हो रहा था, हमने आपको दिखाया था। उसके बाद जो है सेंटर लाइन की मार्किंग करेंगे। मार्किंग हो जाने के बाद जो है इस मशीन की मदद से हम लोग उसकी ग्रुप की कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद इसमें पॉलीसल्फाइड जॉइंट सीलेंट होता है, उसकी फिलिंग की जाती है। और अगर आप लोग देखें नज़दीक से, तो हम इसको थोड़ा सा मशीन को ऑपरेट करना भी आपको दिखाने वाले हैं। तो मशीन को ऑपरेशन आप देखिए, जैसे जॉइंट लास्ट में कट जाता है तो आप देखिए इस ब्लेड की हाइट को ऊपर किया जा रहा है, जिससे हम इसको आराम से मूव कर सकें। आप देखिए वो जो हैंडल हमने आपको, उसकी मदद से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।